इसने बोला हम लोग एंट्री किया छोटे ने इतना हंसाया इतना डायलॉग इसके ऐसे से डायलॉग ऐसे से मारी मारी डायलॉग एक डायलॉग सुनाने बोले जाते थे जाते थे फाइनल तो इनवाइट करता था फाइनल फाइनल आएगा I'm gonna make you pop like that. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। गाइस, हम लोग आए हैं आज दरबार घूमने के लिए। हमारी टीम जो दुबई से आई हुई है, उनको जो है घूमना था आज, तो आज हम लोग ने स्पॉट सिलेक्ट किया है दरबार। दरबार के हाइट पे मैं खड़ा हूँ अभी फिलहाल, आप देख सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। एक्चुअली हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, कड़क टी मीन्स शुगर इज देयर इनसाइड। नो, आई डोंट वांट कड़क। कड़क मीन्स व्हाट? आई डोंट वांट कड़क चाय। कड़क बोले तो क्या? नहीं भाई, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं डालते। शुगर वाला चाहिए ना? ओके, शुगर वाला। गाइस, फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। लोग अभी फोटो निकाले जा रहे हैं, फोटो निकाले जा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, ठंडा भी है यहाँ पे। इवन नीचे इतनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, वैसा कोई भी फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा खासा ठंडा है। गाइस, बहुत ही बढ़िया मौसम है साला, लगा गर्मी से भरा हुआ। लेकिन हम लोग जिस जगह पे आए हुए वो है दरबार, वादी दरबार। यहाँ पे क्लाइमेट फिलहाल तो अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, एक नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है। और लोग भी हमारे जो दुबई से आए हुए, वो लोग ने भी जो है मोहम्मद अली और फैमिली तो पहले देख चुके, आसिफ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसकी फैमिली के साथ पे। लेकिन रॉन्ग टाइम पे देख रहे हैं वो लोग। वो लोगों को देखना चाहिए था करीफ में, जब करीफ में यहाँ का माहौल ही अलग होता है, यहाँ का क्लाइमेट ही कम्प्लीटली चेंज रहता है, फुल ग्रीनरी होता है। अब तो ड्राई है एनीवे, लेकिन उन लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे तो करीफ में आ सकते हैं लोग। क्या बोलते हैं आसिफ? बड़ी देख, सही है ना? नजदीक मत जाओ ना उसके, वो सीधा काटेगा तो सीधा हाथ में मुंह सा दांत बड़ा बड़ा। वेट वेट वेट, तेरी गुन गुन गनी है। सीधा कैमल, कम यू स्कैरी कैमल, सीधा कैमल को आई विल टच को। यू वांट टू सिट? नो नो नो, गो सिट ना। गाइस, दरबार में जो स्पॉट था जहाँ पर पानी जो है झरना गिर रही थी, आज भी जो चल ही रहा है सिलसिला, अभी भी कम नहीं हुआ है। तो अभी भी जो है पानी भरा हुआ है, लोग जो अभी भी नहा रहे हैं उसमें। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। ओ हो, ब्यूटीफुल। हाँ, बस इतना है कि बोटिंग वगैरह जो है बंद हो गया, लेकिन पब्लिक जो है अभी भी नहा रही है यहाँ पे, उसका मज़ा ले रही है। चलो गेट इनसाइड एवरीवन, चलो चलो चलो, नेक्स्ट स्पॉट नेक्स्ट स्पॉट। गाइस, अभी हम लोग दूसरे स्पॉट के लिए जा रहे हैं। पहला स्पॉट जो है दरबार का कवर कर लिए, अब नीचे जो जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा अंधेरा पड़ रहा है अभी, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और ये अब हम आके पहुँचे हैं गाइस दरबार के एंड पॉइंट में। ये दरबार की बोलते ना हार्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ वहाँ पर दरबार पार्क। पार्क जो है दरबार पार्क पूरी खाली पड़ी हुई है, कोई क्राउड नहीं, खाली दो चार जो है आप देख सकते हैं दुबई की गाड़ी यहाँ पे आई हुई है। जो लोग दुबई से घूमने के लिए आए हुए वही लोग जो है यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। लोकल लोग जो है वो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि क्लाइमेट सही नहीं है और ड्राई है कम्प्लीटली। और आप देख सकते पीछे जो लेक है, वो लेक इतना कम्प्लीटली भरा रहता था पानी में, इस बार पानी नहीं है बिल्कुल, बहुत नीचे गया हुआ लेक। बोटिंग वगैरह स्टॉप है, बोटिंग भी नहीं दिख रहा। और इतना क्राउड हुआ करता था करीब के टाइम में, वो मौसम आपको और वो जो माहौल आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। लेकिन एनी वे, जो लोग घूमने के लिए आए हुए हैं वो लोग स्पॉट विजिट करके ज़रूर जाएंगे। तो हमारे लोग भी जो है आए, उन लोगों को भी स्पॉट देखना था, तो लोग देखे और वो लोग श्योरिटी दे रहे हैं कि भाई हम करीब में ज़रूर आएंगे। तो इंशाल्लाह, यानी कि होप करेंगे कि वो लोग करीब में आए और ज़्यादा इन्जॉय करके जाए। अमान कह रहा है, चाचू आपने बहुत ही वेट जो है इंक्रीज़ कर लिए है, आपका जो बॉडी शेप है वो थोड़ा सा जो है चेंज हो गया है। तो मैंने कहा कि अमान को, भाई जो है स्पोर्ट्समैन हमेशा जब इंजर्ड होता है तो उसको जो है थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए बॉडी में। और अब मेरा जो है नी का ऑपरेशन हुआ है, नी का ऑपरेशन होने के बाद में जो है आपको कम्प्लीटली रेस्ट देना पड़ेगा आपके बॉडी को, कोई एक्सरसाइज और कोई ओवर वेटेड करना नहीं चाहिए, तो उससे आपका नी वापस जो है डैमेज हो जाएगा। तो अभी जो है मैंने मामान को बोला, जैसे आप दो तीन महीना जाने दो आप, उसके बाद में आप देखना चाचू को, चाचू कैसे लगेंगे उसके बाद। इसके बाद वापस जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, जिम स्टार्ट करेंगे हम, और हमारे बॉडी को वापस जो है शेप में ले जाएंगे। गाइस, कीप वॉचिंग। इस जगह में आप देख रहे हैं, हम लोग ने यहीं पर जो है मगरिब की नमाज़ जो यहीं पर हम लोगों ने अदा की।
तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम भी है, आपको बाथरूम भी यहाँ पे मिलेगा, ये लेफ्ट साइड में बाथरूम देख रहे हैं आप, ओके बाथरूम भी बहुत अच्छा क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन है। यहीं पे हमने वजू वजू बनाया और उसके बाद में जो यहीं पे हम लोगों ने मगरिब का नमाज पढ़ा। रास्ते में कैमल गाइस, सलाला में ऐसा है कि आपको जब ड्राइव करते तो बहुत ही संभाल कर करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते रास्ते में जो है कैमल अंधेरे में सामने आ जाते हैं। तो कोई भी स्पॉट पे आप जाते हैं तो बहुत ही आराम से और केयरफुल होकर ड्राइव कीजिए। गाइस अभी हम पहुंचे हैं उड़पी होटल में, उड़पी होटल में लोगों को गड़बड़ खाना है हमारे लोगों को, तो हमारे दुबई की जो टीम है वो चाहते हैं कि यहाँ का सलाला का गड़बड़, एक उड़पी होटल है यहाँ पे सलाला में, हमारे बहुत ही खास आदमी है, पहचान वाले हैं, हमारे गांव से रिलेटेड है और हमारे एक अंकल है मैत्री कुंजवा करके, उनके खास दोस्त है, तो उन्हीं के होटल में जो है आ रहे गड़बड़ खाने के लिए, तो लट्टी वो मिलते कि नहीं मिलते। ये सारी टीम जो है हमारी अभी गड़बड़ खाने के लिए जा रही है, सबका डिमांड है, उनको गड़बड़ चाहिए, तेरे को भी गड़बड़ चाहिए, हाँ पूरा आपका गड़बड़ खा लेगा। आपको ब्लॉग में, वो ब्लॉग में डाल रही है आपको, मैत्री को जब देखी निकले होंगे, वो मैत्री बराबर देख कर जाऊंगे, मैत्री को सलाम कर दो आप, कुछ मैसेज पास कर दो मैत्री के लिए। चलो यार थैंक यू। क्या खाएगा? नूडल्स, ये हक्का, वेज हक्का नूडल्स, एक वेज हक्का नूडल्स, एक वेज हक्का नूडल्स, बटर नान से, बटर नान, बटर नान, क्या बोला था लोगों को चाहिए ना बटर नान। ओके गाइस, उड़पी होटल में जो है हमारे बंदे सारे बैठ गए, ये 12 जो बंदे हमारे जो पूरी टीम जो है तो वो उड़पी होटल में बैठी हुई है, अभी उन्होंने सारे लोग ने अपना अपना जो है डिशेस ऑर्डर कर लिया है। ये जो है रसम दिया गया है और ये पकोड़े दिया गया है, ये स्टार्टर के हिसाब से दिया है, बस आप टाइम पास कर लीजिए होटल के अंदर बैठ कर जब तक आपका डिश नहीं आता है। तो लोग जो अभी टाइम पास करने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लोगों के डिशेज आ चुके हैं, ये है शिफा ने जो थाली मंगाई थी, थाली खा रही है, इसमें बहुत सारे अलग अलग जो है सब्जी है, राइस है, देन उसके बाद पूरी है, हमने भी वही ऑर्डर किया थाली, क्या बोला जबरदस्त आफरीन का ऑर्डर था पूरी भाजी, और पूरी भाजी आप देख सकते हैं कैसा बुलबुला उठा हुआ है इसके अंदर में, बढ़िया सा पूरी है, हाँ, और उसके साथ में सब्जी दिया गया, दो टाइप की सब्जी है इसमें, चटनी है इसमें। ये रहा मेरा मसाला डोसा जो मैंने ऑर्डर किया था, बहुत ही लंबा और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, इसका नाम है मैसूर मसाला डोसा, ये नॉर्मल मसाला डोसा नहीं है, इसमें जो है मसाला लगा हुआ है, तो इसके लिए वजह से इसका कलर भी चेंज है, तो लेट्स सी। ओ इसके अंदर आप देख रहे हैं मसाला भरा हुआ है कम्प्लीट, वाओ बिस्मिल्लाह। नूडल्स, वेज अक्कर नूडल, आदि खा रहा वेज अक्का नूडल, और ये बंदो लोग ने अलग ही डिश मंगा ली, कोई सबसे हटके पनीर, पनीर बटर मसाला, ये नॉन वेज खाने वाले बंदे आज पनीर मंगा के खा रहे, वाह क्या बात है, पनीर बटर मसाला, अच्छा इसमें भी लोगों चिकन फील चाहिए लोग पनीर में, वेरी गुड। गाइस खाकर जो पेट इतना धूम हो चुका है, बहुत ज्यादा खा लिए, ओवर खा लिए, तो अब जो है पाव पाव जा रहे हैं घर के लिए, ताकि जो है जो खाए वो थोड़ा सा टाइट हो जाए। हमारे घर से नज़दीक है उड़पी होटल, तो एक 5 मिनट या 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम लोग चल कर जा रहे हैं, और आसिफ और मोहम्मद अली को बोले आप लोग गाड़ी में आ जाओ, गाड़ी पार्क करो आके, और हमारी टीम जो है कल जा रही है, वो दुबई के लिए वापसी है उनकी, कल आफ्टरनून में इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के वो लोग जाएंगे। दुबई की आइसक्रीम आप जो देख रहे हैं, फिर हम लोग रात के 1:30 बजे आए हुए आइसक्रीम खाने के लिए, हमारे दुबई के लोगों को जो है
आइसक्रीम खाना बहुत ज़रूरी रात में, तो पब्लिक रात में भी डिमांड की हुई। और ये आखिरी आइसक्रीम है वो भी हमारे वही बास्किन रॉबिन, सलाला बास्किन रॉबिन वाटिका। देखो पब्लिक लगी हुई लाइन में, ये लोगों को रात को 1:30-2 जो आइसक्रीम खाना है इनको सोने से पहले, तो बंदे जो है आए हुए रात को, और ये आखिरी आइसक्रीम है इसकी सलाला की, तो हो सकता है कल लोग इंशाल्लाह जो है शाम के टाइम में निकल जाएंगे। जेडो ये जेडू जाओ सिद्धि किया इतना तेरे वैसे आइसक्रीम खाना है ना, चलो तो बोलिए हमारी आखिरी आइसक्रीम आखिरी नहीं है ओके टाइमिंग है आखिरी सलाला का टाइमिंग आके फिर खाएंगे फिर आएंगे फिर खाएंगे बढ़ाओ जी गुड गाइस। हमारी दुबई की टीम जो है रेडी हो चुकी है जाने के लिए, कैसा जो दिन गया पता ही नहीं चला, उन लोग आए इतना एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत एंटरटेन किए एक दूसरे को, और खूब यानी रात रात भर जागे, रात रात भर आइसक्रीम खाए हम लोगों ने। और अमन जा रहा है, शिफा जा रही है, मोहम्मद अली जा रहा है, आसिफ जा रहा है, उम्मीद जा रही है, सारे लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग के साथ में भी अच्छा अटैचमेंट हो गया था हमारे। ये ओए अम्मो लुक एट इट, अम्मू और जैद ये भी अच्छा घुल मिल गए थे हमारे साथ में, तो बहुत मिस करेंगे हम लोग। ओए से स्पाइडरमैन गिव मी पावर, नो पावर से पावर इज नहीं ना, नो पावर नो पावर, अरे आई गिव माय पावर टू अम्मू, टेक फ्रॉम अम्मू, ओके गोइंग नाउ, गोइंग टू पावर क्लास, नाउ गोइंग टू पावर, नो पावर। गाइस ये बैट जो स्पेशली मैंने मेरे लिए लिया था, लेकिन अभी जो ये बैट मैं दे रहा हूँ, नया बैट है हमने यूज नहीं किया इसको अभी तक के, ये मैं दे रहा हूँ अमान को मेरी तरफ से, कि अमान भी खेलेगा जैद भी खेलेगा। जर्सी जो है सरप्राइज के लिए रखा था, ये चारों के लिए, आसिफ के लिए, मोहम्मद अली, जैदान और इसके लिए अमान जर्सी, लेकिन वो जर्सी जो टाइम पे यहाँ पे पहुँच नहीं पाई, वो टाइम पे पहुँच नहीं पाई, अभी भी इंडिया में पड़ा, जो आने वाला वो लेके आएगा हमारा, ठीक है। चलो यार मुलाकात करो, ठीक है, धुना धुना नहीं थोड़ा दिसंबर हमारे साले साहब जो पहली बार आए थे सलाला, पहली बार दूसरी बार खड्डे, हमारा खड्डा है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे क्रिकेट में, ये जब खेल रहा था ना तो लड़के बोल रहे थे उसके स्टाइल बहुत अच्छा है, और एक मैच जीता के भी 3 चौका मारा, ये भी खेलता है अंडर अच्छा खेलता है। अच्छा हमें तू कहाँ जा रहा है, रो रहा है, तू भी रो रहा है, तू नहीं रो रहा है, तू नहीं रो रहा है इस बार, जब आप बड़ा हो गया अमान बड़ा हो गया, तो अमान तो ऐसा फूट फूट के रोता था, बाप रे बाप, गाड़ी है ना अभी कभी भी उठ के आ जाने का, टेंशन क्यों लेता है, फिर रोता क्यों इतना, ओके रोने का नहीं, ओके क्या हो गया, मिस करेगा हम लोग को जाके, हाँ बहुत मिस करेगा, बच्ची बच्ची है, बच्ची बच्ची है, इससे बोल हम लोग एंटरटेन किया छोटे ने, इतना हंसाया, इतना डायलॉग इसके, ऐसे से डायलॉग ऐसे से क्या बात है, एक डायलॉग सुनाने बोले जाते थे, जाते थे पानी डालो, एक तो इनवाइट करता था जगह पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, ये बड़ू आएगा है ना, आएगा मुंडे बोल, गाइस जब जाने के टाइम में हमारे बच्चे भी स्टार्ट हो गए रोने के, क्योंकि वो लोग को भी थोड़ा सा फील हो रहा है, अब ये लोग जा रहे इतना टाइम बैठ के, आदि अभी भी रो रहा है, तो ऐसा है कि जब जाते समय जो हर किसी को जो ऐसा लगता है कि भाई नहीं जाएगा, कि और भी जो दिन है जो ऐसे ही चलता रहे, बस इंजॉय करते रहे, एंटरटेनमेंट होता रहे करके, ये पार्ट ऑफ लाइफ, सबको अपने अपने जगह जाना है, काम करना है, रहना है, तो रेगुलर लाइफ ऑफिस जो है कंटिन्यू करना है। तो एनी वे गाइस आप लोग हमारा ख्याल रखिए, हमारा आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, दुआ में जरूर याद रखना, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फिर स्लोली
अमान पास हो गया, रिजल्ट चाहिए मेरे को, समझा? हाँ चलो चलो चलो, बाय 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 बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर, अजीब चलो, ओके ओके, चल गाड़ी रिवर्स ले रहे।